सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले एक्सेस 125 का रिव्यू। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे है मेरे पास एक्सेस 125, ये हमारी 2022 का मॉडल है और ये ब्लूटूथ एडिशन वाला मॉडल है। इसको 5 मंथ हो चुके हैं इसको परचेस किए गए। चलो जल्दी से हम इसका रिव्यू लेते हैं। सो गाइस ये रही हमारे पास एक्सेस 125। अब आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लग रही है और इसकी हेडलाइट एक बार आप चेक कर लो। सो ये देखो इसकी अपर और ये देखो गाइस कितनी बढ़िया लग रही है। तो ये रहा इसका फुल व्यू। यहाँ पे हमें एक्सेसरीज में मैटिंग मिल गई थी और यहाँ पे हमारे ये क्रैश गार्ड टाइप के जो कि हमारे इस साइड दोनों साइड लगे हुए हैं देख सकते हैं आप। मिरर हमें मिल गए थे लगे लगाए जो कि कंपनी द्वारा ही लगाए के दिए गए थे। मिरर वैसे हमें हर गाड़ी में मिलते हैं और ये वाला भी दोनों मिरर। हमारी एक्सेस की जेन्युइन मैटिंग लगी है और ये कुछ पीछे से ऐसी और बाजू से बात कर लेते तो कुछ ऐसी है इस प्रकार की। फ्रंट से बात करते तो आपको ये पहले अच्छी DRL टाइप की मिल जाएगी जो कि BS6 के हर मॉडल में आती है। आप देख सकते कितनी ब्राइट है और नीचे हमारे ये दोनों साइड इधर पे DRL जलती हैं। ये अभी जल रही हैं जैसे आप देख सकते हैं लेकिन अभी फ़िलहाल धूप है तो देखेंगी नहीं, रात में बहुत ही प्यारी लगती हैं। इस साइड भी ये देख सकते हैं आप जल रही हैं अभी भी। ये हमारी नंबर प्लेट और ये इंडिकेटर हैं कुछ इस साइड, हेलोजन इंडिकेटर मिलेंगे आपको। ये आप देख सकते हैं ब्राइटनेस कैच नहीं हो रही है। बात कर ले तो ये देख सकते हैं हमारे पे एक एक्सेस 125 विद राइडिंग कनेक्ट एडिशन SCP भी लिखा गया है तो देख सकते हैं आप। तो गाइस बात कर लेते हम फ्यूल टैंक की, तो ये फ्यूल टैंक हमें 5 लीटर का देखने मिल जाएगा जो कि बहुत ही बढ़िया है 5 लीटर का। फिर हम थोड़ा सा सुन लेते हैं एग्जॉस्ट। ये देख सकते हैं अभी बाइक ऑन है, स्कूटी थोड़ी रेस दो। नॉर्मली ये स्कूटी का साउंड तो आपको पता है नॉर्मली रहता, थोड़ा सा और रेव करो बस। सो गाइस ये कुछ साउंड मिलता है आपको जैसा कि आपने सुन लिया है, स्कूटी है भाई बाइक नहीं है फिर भी बहुत ही अच्छा साउंड देती है और इसका पेवका एकदम रॉकेट है रॉकेट। मैं आपको साइड का टॉप स्टैंड भी मिल जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं स्टैंड हमारा भी लगा हुआ है देख सकते हैं। और यह हम स्टार्ट करेंगे गाड़ी को, ये देखो स्टार्ट नहीं हो रही है। जैसे ही हम इसका स्टैंड करेंगे ऑफ और ये देखो गाड़ी स्टार्ट, तो ये इसमें फीचर भी अच्छा मिल जाता है जो कि खड़ी गाड़ी में आपको कोई भी स्टार्ट नहीं कर पाएगा। और मीटर की बात कर ले तो ये हमारा मीटर में कुछ टाइमिंग दिखती है, ये सेट और मोड का ऑप्शन है। यहाँ पे हमारा 1 लीटर मतलब इसमें 1.5 लीटर पेट्रोल होगा, यहाँ पे 5 लीटर का है तो इधर पे 5 स्टेप में हमारा फ्यूल शो हो जाता है। और यहाँ पे हमारी गाड़ी 2621 किलोमीटर इसने कंप्लीट कर चुके हैं मतलब कुछ 3000 किलोमीटर कंप्लीट करने वाली है। और यहाँ पे हमारी स्पीड दिखती है मैनुअली, यहाँ पे हमारा हीटिंग दिखता है और इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आपको मिल जाती है जो कि हमें ऐप से कनेक्ट करना पड़ता है, हमारी ट्रिप वन ट्रिप भी। और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं BT पेयर का, तो ये बहुत ही बढ़िया है। कंट्रोल की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको ये हमारा किल स्विच मिल जाएगा जिससे गाड़ी स्टार्ट होगी। ब्रेक नीचे दर पे कुछ नहीं दिया गया है, ये हमारी अपर डिपर और ये पास, और ये हमारे इंडिकेटर जो कि इंडिकेटर ब्लिंक होते तो ज़्यादा दिखने लगते हैं देख सकते हैं। ये हॉर्न इसका मैनुअली देख लो, ये इसका नॉर्मल सा हॉर्न। यहाँ पे आपको USB पोर्ट भी देखने मिल जाएगा जो कि देख सकते हैं ब्लू कलर की, इसमें लाइट भी जल रही जिससे हमें पता चलता है ऑन है। और यहाँ पे आपको की मिल जाएगा और की में यहाँ पे की इसकी आपको
प्रकार के देखने मिलेगी जो कि सुजुकी देती है हमें, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे इसका एक स्विच भी दिया हुआ है जिससे आप इसको बंद भी कर सकते हैं, जैसे बरसात वगैरह हो तो पानी ना जाए, जैसे ऑन हो जाती है। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दी गई है कुछ रखने, यहाँ पे बॉटल वगैरह आराम से बन जाती है। साइड में बात कर ली जाए तो इधर पे एक हमारा एंगल दिया गया जिससे आप कुछ भी सामान आप कैरी कर सकते हैं, और एक यहाँ पे भी कुछ दिया गया है। गाड़ी में हम लोगों ने डेस्क नहीं लिया था, और तब भी ये गाड़ी 1,04,000 कुछ की पड़ी थी आज से 5 मंथ पहले। और ये देख सकते हैं हमारे पे डिस्क वेरिएंट नहीं है ये, और कुछ ऐसी ही गाड़ी हमारी दिखती है। गाइस इसकी सीट की बात कर ले तो सीट इतनी अच्छी कंफर्टेबल है, हम लोग 3 जन भी बैठ जाएं तो बहुत ही आराम से गाड़ी चलती है और कुछ होता नहीं है, बहुत ही मज़ा आती है। और प्लेन के लिए भी बहुत ही अच्छी सीट है इसकी। और जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं इसको टेस्ट करने थोड़ा सा चला के, तो आप देख लो कि हमारे हाथ में बाइक है, चलो इसको चला दें। जैसा कि आपने देखा है 0-60 कितने जल्दी जाती है, और इसका राइडिंग एक्सपीरियंस हम करें तो बहुत ही बढ़िया चलती है, और इसमें जो सॉकअप लगे हुए हैं बहुत ही अच्छे हैं। तो ये कुछ इसका राइड टेस्ट था। तो मैं जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने रिव्यू कर दी है हमारी एक्सेस 125 ब्लूटूथ एडिशन, बहुत ही मस्त स्कूटी है, और इसे आप अभी परचेस कर सकते हो, बहुत ही सक्सेसफुल है एक्सेस, जैसे आपको पता ही है बहुत ही बढ़िया है स्कूटी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।